ये तो करेंगे ही, इनकी नीतियां ही वही रही है, लाठी और गोली की सरकार की, लाठी चलाना गोली चलाना, अगर कोई मांग मांगे तो उस पर जो है इसी प्रकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना। इलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके पास कर चुके हैं और उनको केवल नियुक्ति करना था, तो नियुक्ति के बजाय कई जो है से बार बार नीतियों में परिवर्तित करना, और परिवर्तन के माध्यम से कभी कहना कि बीपीएससी का से एग्जाम लेंगे इनका फिर से, कितनी बार एग्जाम लेंगे, जो शिक्षक में बहाल हो गए उनका भी कह रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, और अब तो जिस प्रकार से डोमेसाइल नीति जो है से इन्होंने लाया है कि अब बिहार से बाहर के भी लोग आएंगे उसमें शामिल, अन्य राज्य तो अपने बिहार के बच्चों के उनको रोजगार देने के लिए नीतियां बनाते हैं कि भाई हमारे राज्य के जो बच्चे हैं वही केवल जो ऐसे इलिजिबल होंगे, लेकिन ये बनी नीतियों को भी बिगाड़ कर कर करके और बाहर खिला रहे हैं। इन शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वो शिक्षक अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। इस बीच कल तस्वीर जिस तरीके से निकल के आई वहां पर यह देखा गया कि अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक पटना पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, तो वहीं महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल है, जुड़ेंगे बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है, दर दर भटक रहे हैं अभ्यर्थी, बहाली नहीं की जा रही है, ये तो करेंगे ही, इनकी नीतियां ही वही रही है, लाठी और गोली की सरकार की, लाठी चलाना गोली चलाना, अगर कोई मांग मांगे तो उस पर जो है इसी प्रकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, इनकी नीति पहले से रही है। इनका इतिहास तो देख लीजिए, 90 से 2005 तक इन्होंने क्या करके रखा था बिहार को, बिहार के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, कोचिंग की व्यवस्था नहीं, रोजगार का साधन नहीं, लोग जा कर करके कहाँ कहाँ भटकते थे, आज फिर वही स्थिति में आ गए हैं। जो बच्चे इलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके पास कर चुके हैं और उनको केवल नियुक्ति करना था, तो नियुक्ति के बजाय कई जो है से बार बार नीतियों में परिवर्तित करना, और परिवर्तन के माध्यम से कभी कहना कि बीपीएससी का से एग्जाम लेंगे इनका फिर से, कितनी बार एग्जाम लेंगे, जो शिक्षक में बहाल हो गए उनका भी कह रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, और अब तो जिस प्रकार से डोमेसाइल नीति जो है से इन्होंने लाया है कि अब बिहार से बाहर के भी लोग आएंगे उसमें शामिल, अन्य राज्य तो अपने बिहार के बच्चों के उनको रोजगार देने के लिए नीतियां बनाते हैं कि भाई हमारे राज्य के जो बच्चे हैं वही केवल जो है से इलिजिबल होंगे, लेकिन ये बनी नीतियों को भी बिगाड़ कर कर करके और बाहर खिला रहे हैं, और इनको ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि इनके पास जो है प्रतिभा की कमी है, हमारे पास मैथ के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के ऐसे योग्य शिक्षक नहीं है। अरे बिहार के बच्चों के बारे में इस प्रकार की बातें करना, जो बिहार के बच्चे कितना उसमें प्रतिभा है, ये आपको मालूम नहीं है कि बिहार के बच्चों को दुनिया के किसी कोने में खड़े कर दीजिए कहीं भी, तो वहां अपने लोहा अपने प्रतिभा का मनवा देते हैं और हर जगह अव्वल आने का काम करते हैं। देश के किसी कोने में कोई प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें भाग लेते हैं हमारे बच्चे, और वहां भी वहां इलिजिबल होते हैं, वहां भी अपनी प्रतिभा का वो दिखाने का काम करते हैं, और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, उनके भविष्य पर जो है के साथ खिलवाड़ करना और बातें उनके खिलाफ बोलना, ये बिहार विरोधी नीति है, बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाली नीति है, युवाओं के खिलाफ इनकी नीति है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बनाया है, ये तय किया है कि हम 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नीतीश कुमार के बिहार में महिलाओं को घसीटा जा रहा है सर, महिलाओं को पीटा जा। अबे नीतीश कुमार थोड़े ही रह गए, अब वो तो कठपुतली हो गए हैं, इनका कुछ चल रहा है, ये मूक दर्शक है, चुपचाप देखते रह जा रहे हैं, और सारा कुछ जो है तेजस्वी यादव कर रहा है, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, इनका कुछ नहीं चला, बस अब जा सांसद विधायक को बुला कर करके मैसेज दे रहे हैं ये कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अब ये बैरंग होने वाले हैं, अब वहां दाल नहीं गलने वाला है, जनता का विश्वास तो उठ चुका, महागठबंधन में भी
इनको पूरा पत्ता साफ कर दिया। अभी देखे ना, यहाँ बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, यहाँ कुछ नहीं, ये घूम घूम कर करके बैठकों का आयोजन किए थे, बुलाए थे सबके नेताओं के दरवाजे दरवाजे गए थे सभी पार्टियों के पास, और निकला कुछ नहीं। नतीजा लालू यादव ने कह दिया कि राहुल जी आप दुल्हा बनिए और हम लोग आपके साथ बराती चलेंगे। नीतीश कुमार को धत्ता बता दिया कि आप कहीं 3 में न 13 में हैं। तो अब नीतीश कुमार को यह पता चल गया है, इसलिए दबाव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अब नीतीश कुमार को जैसी करनी वैसी भरनी, अब कहीं पनाह भी नहीं उनको मिलेगा। राजद के लोग अभ्यर्थियों को संघी बता रहे, कह रहे हैं कि भाजपा के ये लोग एजेंट, ये तो बोलेंगे ही, लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे कि वो भाई भाजपा के हैं, जनसंघ आरएसएस के हैं, यही तो बोलेंगे। इनकी नीति तो यही रही है कि वायदा करना, वायदों को भुला जाना, और उसके बाद तरह तरह का आरोप उनके ऊपर, उन बच्चों पर लगाना और अपने कुर्सी को बचाना, संपत्ति बनाना और अपने परिवार के संपत्तियों को बचाना, बस यही तो इनका काम है। देखिए, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल थे, भाजपा प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन पटेल का यह साफ कहना है कि बस संपत्ति बनाते हैं महागठबंधन वाले और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले 13 तारीख को बड़ा आंदोलन होने वाला है बिहार में, भाजपा की तरफ से यह आंदोलन होगा। देखने वाली बात यह होगी भाजपा अभ्यर्थियों के हित में क्या कुछ करती है। जिस तरीके से कल आंदोलन हुआ है उसको लेकर मुखर होकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे प्रेम रंजन पटेल। क्या कुछ कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।